दोस्तों कई बार होता है कि अगर आप एक यूट्यूबर है, फ्रेशर है, आपको कई बार होता है कुछ एप्लीकेशन ऐसे आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट पड़ जाता है कि आपको यूट्यूब का यूजर आईडी और चैनल आईडी, जो कि आपका यूट्यूब चैनल का यूजर आईडी और खुद का जो यूट्यूब चैनल का यूजर आईडी और प्लस चैनल आईडी, ये दोनों आपको फाइंड करने मुश्किल हो जाता है। कहाँ पर रखा होता है आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ढूंढना होता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना और फीडबैक तौर पे कमेंट जरूर करना आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो बस आगे चलते हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, सिंपल मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर के अंदर मैं अपना जो ब्राउजर के अंदर मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा हूँ। यहाँ पर सिंपल जो यहाँ पर मेरा फोटो दिख रहा है, ये जो फोटो दिख रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आप अपने चैनल ओपन कर लेना गूगल क्रोम के अंदर। सिंपल आप इसको मोबाइल के थ्रू भी यही कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको लेके जाऊंगा, यहाँ सेटिंग्स ऑप्शन है, ठीक है, इस पर टिप करना है। यानी कि क्लिक करने के बाद आपको आपका चैनल का फीचर शो कर जाएगा। यहाँ पर चूज हाउ टू अपेयर दैट वे सीन यूट्यूब, तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल आपको जाना है व्यू एडवांस के अंदर। आपको YouTube के यूजर आईडी, जो कि आपका पर्सनल यूजर आईडी, साथ में चैनल आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेटअप हो रखा है। यूजर आईडी ये है आपका यूजर आईडी, ये यूनिक आईडी होता है, ये किसी के पास नहीं होता, ये सिर्फ आपका यूजर आईडी, यहाँ पर यूजर आईडी देखने को मिलता है। चैनल की आईडी जो है यहाँ पर आपको राइट साइड में देखने को मिलता है। कभी जरूरत पड़ता है कि आप किसी को चैनल आईडी भेजते हो तो प्रॉपर यहाँ से चीजें कलेक्ट करो। ये काफी बढ़िया है, और अगर ये फीचर्स के बारे में आपको पहले पता था तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अनबंदे मातरम।